अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिफ खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा का पाकिस्तान में सलाह मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि मैं और कैनेडियन अवाम पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद हैं। कैनेडा पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या इजाफी मदद फराहम कर सकता है? कनाडा की नायब वजीर आजम को हिरासा करने का वाकया। अल्बर्टा में एक दौरे के दौरान फ्रीलैंड के खिलाफ नामुनासिब जुमलों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ट्वीट में इस वाकये का एतराफ़ किया। टोरंटो में माहिरीन मौसमियात की तूफानी बारिशों की पेशगोई। शहर में पीर और मंगल को गरज चमक के साथ तूफान का खतरा है। जुमेरात से सूबे में शुमाली इलाकों में मौसम सर्द होने का इम्कान। अमरीकी जज का अफगानिस्तान के असासे मुंजमद करने के खिलाफ फैसला। मुंजमद अफगान असासों में से 9/11 मुतासरीन को जरे तलाफी नहीं दिए जा सकते। अमरीकी जज ने कहा है कि कानून ऐसे किसी भी अमल से अदालत को रोकता है। यूक्रेनी शहरियों के लिए रूसी सदर पुतिन ने बड़ा कदम उठा लिया। यूक्रेनी शहरी रूस में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रह सकेंगे, वर्क परमिट के बगैर भी क़याम कर सकेंगे। अमरीकी बहरिया के दो जंगी जहाज अबनाए ताइवान में दाखिल। चीनी फौज का कहना था कि किसी भी इश्ताल अंगेजी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमरीकी बहरिया का कहना था कि जंगी जहाज़ों का अबनाए ताइवान से गुजरना मामूल आलमी कवानीन के तहत है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein. www.greenish.com. Headlines aapne mulahiza ki aur ab khabrein tafseel ke saath. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि मेरी तरह कैनेडा भर के आवाम पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुतासर होने वाले हर फर्द के बारे में फिक्रमंद है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों के सबब मुतासर अफराद की इमदाद के लिए कैनेडा समेत आलमी बरदरी की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैं भी पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुतासर होने वाले हर फर्द के बारे में सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा कैनेडा भी जितनी जल्दी मुमकिन हो खाना, साफ पानी और दीगर ज़रूरी खिदमात फराहम कर रहा है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में कहा कि कैनेडा खुराक, साफ पानी और दीगर ज़रूरी खिदमात जल्द अज जल्द फराहम करने के लिए UNCERF के ज़रिए मदद फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी तरह मुल्क भर के आवाम पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुतासर होने वाले हर फर्द के बारे में फिक्रमंद है। कैनेडा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ज़हीर जंजुआ ने पाकिस्तान में इंसानी जानों के तहफ्फुज़ की कोशिशों पर कैनेडियन वजीर आजम और कैनेडियन आवाम का शुक्रिया अदा किया। कैनेडा की वजीर खारजा मिलानिया जूली ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब की तस्वीर दिल दहला देने वाली हैं। हमें सूरत हाल पर गहरी तशवीश है और हम पाकिस्तानी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। कैनेडियन वजीर बराए बैन अलावी तरक्की हरजीत सज्जन ने एक बयान में कहा कि कैनेडा की हुकूमत ने पाकिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटीज़ को $20,000 मुख्तस किए हैं। ये फंड्स पाकिस्तान रेड क्रीसेंट सोसाइटी पानी, सफाई और हिफ्जान सेहत की खिदमात और नकद इमदाद के लिए इस्तेमाल करेगी। हरजीत सज्जन ने मजीद कहा कि हम सूरत हाल की निगरानी जारी रखे हुए हैं और मुल्की शराकत दारों और कसीरुल जहती तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये देखें कि कैनेडा पाकिस्तानी आवाम के लिए क्या इजाफी मदद फराहम कर सकता है। कनाडा में हालिया हफ्तों में अवामी ज़िंदगी में ख़वातीन को धमकियों और डराने धमकाने के अवामी वाकयात में तेज़ी आई है। निशाना बनने वालों में कनाडा की नायब वज़ीर आज़म सरे फहरिस्त हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सूबे अल्बर्टा में एक वाक़े के दौरान नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड के साथ पेश आने वाली ज़बानी बदसुलूकी के वाक़े के बाद सियासत और सहाफत में ख़वातीन को डराने धमकाने के खिलाफ
रहनुमाओं से मुतहदा मौकफ का मुतालबा किया। हालिया हफ्तों में अवामी जिंदगी में खवातीन को धमकियों और डराने धमकाने के अवामी वाकयात में तेजी आई है, जिनमें सियासतदानों के साथ बदसलूकी के वाकयात नुमाया मिसालें, जिनमें कनाडा की नायब वजीर आजम सर फहरिस्त हैं। ऑनलाइन हिरासा करने का वाकया जुमे के रोज पेश आया, जब कनाडा की नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड को ग्रांड प्रेरी अल्बर्टा में एक वाक्य के दौरान जबानी बदसलूकी का सामना करना पड़ा। वाक्या उस वक्त पेश आया जब फ्रीलैंड अल्बर्टा और सिस्किचुआन के दौरे पर थीं। एक आदमी फ्रीलैंड पर चीखता है जिसने उन्हें गद्दार कहा, नाजेबा जबान इस्तेमाल करते हुए सूबे से निकल जाने को कहा। उन्होंने ट्वीट में इस वाक्य का एतराफ़ किया। हफ्तों से सहाफ़ियों के एक ग्रुप ने अवामी तौर पर निजी गुमनाम ईमेल्स की एक सीरीज का इंकशाफ किया है जो उन्हें मौसूल हुई हैं। उन ईमेल्स में तशद्दुद और जिंसी हमलों के मखसूस टारगेटेड और परेशान कुन खतरात के साथ साथ नस्ल परस्ताना और बदसलूकी की जबान थी। एक खातून सहाफ़ी का कहना था कि यह जबान बुनियादी तौर पर हमें गाली देने और अजियत देने के लिए इस्तेमाल होती है। नेज हमें बताया गया कि हमें खामोश करने के लिए सहाफ़ियों की फहरिस्त में डाल दिया गया है। टोरंटो में वीकेंड पर गर्म दर्ज हरारत के बाद माहिरीन मौसमियात ने शहर में तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में वीकेंड पर गर्म दर्जा हरारत के बाद माहिरीन मौसमियात ने शहर में तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। हफ्ते के वस्त में ठंडा दर्जा हरारत बढ़ने से पहले पीर और मंगल को गरज चमक के साथ तूफान का खतरा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि तूफान से ऑन्टेरियो के जनूबी इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मंगल को सर्द मौसम से पहले बढ़ने वाली ये गर्मी और नमी कुदरती तौर पर माहौल को गैर मुस्तहकम कर देगी, इसलिए पीर की दोपहर के आखिर तक पूरे इलाके में गरज चमक के साथ आने वाले तेज तूफानों के खतरे का सुराख लगा रहे हैं। जनूबी ऑन्टेरियो में आने वाले तूफान के सबब तेज हवाएं चल सकती हैं और हवा में ज्यादा नमी की वजह से मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि जनूबी ऑन्टेरियो के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये ग्रेटर टोरंटो एरिया समेत बहुत से मकामात पर 40 डिग्री के करीब महसूस होगा। माहिरीन मौसमियात ने जुमेरात से सूबे में शुमाली इलाकों में मौसम सर्द होने का इम्कान जाहिर किया। ऑन्टेरियो और क्यूबेक बॉर्डर के करीब सितंबर के अवाल में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो सकता है। अमरीकी जज ने अफगानिस्तान के असासों को अमानत करार देते हुए उन्हें मुंजमद करने के खिलाफ सिफारिश कर दी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी जज ने अफगानिस्तान के असासों को अमानत करार देते हुए उन्हें मुंजमद करने के खिलाफ सिफारिश कर दी। अमरीकी जज ने कहा कि 9/11 के मुतासरीन अफगान बैंक के असासों के हकदार नहीं हैं। उन असासों की मालियत तकरीबन 10 अरब डॉलर है, जिसमें से 7 अरब डॉलर अमरीका में रखे गए थे। अमरीकी सदर ने उनमें निस अफगान अवाम और निस 9/11 मुतासरीन को देने का ऐलान किया था। अमरीकी जज ने कहा कि अफगानिस्तान के अमरीका में मुंजमद असासे वहाँ के अवाम की अमानत हैं, उस पर 9/11 के मुतासरीन का कोई हक नहीं। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान के मुंजमद असासों के हवाले से अमरीकी रियासत में हिटन की मजिस्ट्रेट जज सारा नेटवर्न ने असासे जब्त करने की इजाज़त ना देने की सिफारिश की और कहा कानून ऐसे किसी भी अमल से अदालत को रोकता है। जज ने अपनी सिफारिश में लिखा कि 9/11 हमले के अमरीकी मुतासरीन इंसाफ एहतसाब और मुआवजे के लिए बरसों से लड़ रहे हैं और ये उनका हक है, लेकिन कानून अदालत को मुआवजे की अदायगी के लिए किसी दूसरे मुल्क के असासों के इस्तेमाल से रोकता है। अमरीकी जज ने अपनी सिफारिश में मजीद लिखा कि चुनाचा अफगानिस्तान बैंक को अदालतों के दायरा इख्तियार से इस्तस्ना हासिल है और अगर असासों को जब्त करने की इजाज़त दे दी जाए तो उसका मतलब तालिबान हुकूमत को अफगानिस्तान की कानूनी हुकूमत के तौर पर तस्लीम करना होगा और ऐसा सिर्फ अमरीकी सदर ही कर सकते हैं। याद रहे कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन की इमारत से जहाज टकराए गए थे, जिसके नतीजे में 3000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिका ने हमले का जिम्मेदार अलकायदा को करार देते हुए तालिबान पर मुआवनत का इल्जाम आयद किया था। गुज़िश्ता बरस अगस्त के वस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम कर ली थी, जिस पर हुकूमतों और बैनुल अक्वामी इदारों ने अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के असासों को मुंजमद कर दिया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके बाद अब यूक्रेनी शहरी गैर मुअय्यना मुद्दत तक रूस में क़याम कर सकेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेनी शहरियों के लिए रूसी सदर पुतिन ने बड़ा कदम उठा लिया है। अब यूक्रेन के शहरी रूस में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रह सकेंगे और वर्क परमिट के बगैर भी क़याम कर सकेंगे।
सदर प्यूतन ने बुजुर्ग अफराद समेत पेंशनर्स, माजूर या हमला खवातीन को समाजी फंड से रकम की अदायगी की भी हिदायत की है। रूसी सदर व्लादिमीर प्यूतन ने एक ऐसे हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके बाद अब यूक्रेनी शहरी गैर मुअय्यना मुद्दत तक रूस में क़याम कर सकेंगे। इस नए इकदाम से इस इजाजत नामे से मुस्तफी होने का अहल होने के लिए दरख्वास्त दहंदगान की उंगलियों के निशान, तस्वीर और मुंशियात और किसी भी मुतादी बीमारियों का टेस्ट कराना लाजमी होगा। हुक्मनामे में उन लोगों के लिए माली फवायद मुतारिफ कराए गए हैं जो यूक्रेन की सरजमीन छोड़कर रूस आना चाहते हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदायगी यूक्रेन के शहरियों और डोनेस्टिक और लुहानसिक अवामी जमहूरिया को की जाएगी। ये मशरकी यूक्रेन में दो अलग होने वाले रूसी हिमायत याफ्ता इलाके हैं जिन्हें मास्को ने फरवरी में आज़ाद तस्लीम किया था, जिसे यूक्रेन और मगरब की जानब से गैर कानूनी करार दिया गया है। 10,000 रूबल माहाना पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जो 18 फरवरी से यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। माजूर अफराद भी इसी माहाना इमदाद के अहल होंगे, जबकि हामला खवातीन यक तरफा फायदे की हकदार होंगी। वाज़ह रहे कि अब तक यूक्रेन के लोग 180 दिन की मुद्दत के अंदर ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक रूस में रह सकते थे, जबकि ज्यादा देर तक रहने या काम करने के ख्वाहां अफराद को मखसूस इजाजतनामा या वर्क परमिट हासिल करना पड़ता था। अमरीकी बहरिया के दो जंगी जहाज अबनाए ताइवान में दाखिल हो गए। ये अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद पहला ऐसा ऑपरेशन है जिससे अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी बहरिया के दो जंगी जहाज अबनाए ताइवान में दाखिल हो गए। ये अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद पहला ऐसा ऑपरेशन है जिससे अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। अमरीकी बहरिया का कहना है कि अमरीकी फौज हर उस जगह से गुजर सकती है जिसकी बैनुल अक्वामी कवानीन में इजाजत है। अमरीकी बहरिया का इस हवाले से कहना है कि ये गाइडेड मिसाइल से लैस दो जंगी जहाजों का अबनाए ताइवान से मामूल का गुजर है जो कि आलमी कवानीन के तहत है। इस हवाले से चीनी फौज का कहना है कि अमरीकी बहरिया के अबनाए ताइवान में मौजूदगी का जायजा ले रहे हैं और किसी भी इश्तियाल अंगेजी का जवाब देने के लिए तैयार है। हालिया बरसों में अमरीकी और उसके इत्तेहादी ममालिक बरतानिया और कनाडा के बहरी जहाज़ों के आबनाए ताइवान के जरिए सफ़र करने पर चीन इजहार बरहमी कर चुका है। वाज़ह रहे कि अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान चीन और अमरीका के दरमियान कशीदगी का सबब बना था और उसके बाद से इस खत्े में चीन अपनी फौजी मशकें जारी रखे हुए है। ख्याल रहे कि चीन ताइवान को अपना सूबा तसव्वुर करता है और इसे अपने साथ मिलाने के लिए पुरअज़म है। आबनाए ताइवान से अमरीकी बहरिया के जहाज गुजरने का अमल अमूमन 8 से 12 घंटों में मुकम्मल हो जाता है, जिसकी चीनी फौज की जानिब से मॉनिटरिंग की जाती है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपनी मेजबान लारिफ खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।